हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्लम ग्रीन टी टोनर का रिव्यू। ये 200 ml की बॉटल है जो रिटेल करती है आपको 390 rupees, ठीक है, बट आपको डिस्काउंट रेट पे ऑब्वियसली मिल जाएगा। प्लम गुडनेस की जो मतलब प्लम के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी बहुत अच्छी बात है कि उनका 1%, मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसका जो भी 1% होता है वो नेचर को, प्लैनेट को जाता है। मतलब इनके प्रोडक्ट जो होते हैं 100% वेगन होते हैं, डेरिवेटिव इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ होता। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं पैराबेन, सल्फेट, SLS फ्री होते हैं, यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई प्लम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं वाई वी नीड टोनर इन आवर डेली रूटीन। सो जो टोनर होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, टोनर के बेनिफिट क्या क्या हैं, और इसे स्किन केयर में हमें कैसे अप्लाई करना है, कौन सा स्टेप पे इसको यूज़ करना है, हम आज उस सबकी बात करेंगे। सो टोनर के बेसिकली बेनिफिट होते हैं कि हमारे पोर्स को, जो हमारे फेस पे ओपन पोर्स होते हैं, लार्ज पोर्स हो जाते हैं कभी कभी, उनको श्रिंक करते हैं, ठीक है। सेकेंड बेनिफिट है कि ये ऐड करता है एक प्रोटेक्शन ऑफ लेयर, ताकि हमारे फेस स्किन के अंदर कोई भी ऐसा हार्मफुल एक्सटर्नल सब्सटेंस जो है वो एंटर ना कर पाए, ठीक है। एक्ट्स लाइक अ मॉइस्चराइजर, क्योंकि ये हमारे स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। कैसे? बिकॉज ये हमारे पोर्स को लॉक करता है, हमारे मॉइस्चर को लॉक करता है। तो हमारी स्किन जो है, हमारे स्किन को जितनी ज़रूरत है उतना मॉइस्चर हमारी स्किन को मिलता रहता है। फोर्थ, ये हमारी स्किन को रिफ्रेश करता है, ठीक है। रिफ्रेशमेंट मिलती है जब इसको अप्लाई करोगे ना, आपको बहुत फ्रेशनेस सी फील होगी, ठीक है। और ये हमारे स्किन को बहुत ही स्मूथ, सपल और हाइड्रेटेड बनाता है। तो ये सारे यूजेस हैं इसको, मतलब ये सारे बेनिफिट्स हैं इसको यूज़ करने के, टोनर को यूज़ करने के। अब टोनर जो होता है वो हमारे स्किन रूटीन का, स्किन केयर रूटीन का सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट आपका होता है फेस क्लिनजिंग, जो कि आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने फेस वॉश यूज़ कर लिया, बट सिर्फ फेस वॉश यूज़ करने से सारी डर्ट्स नहीं निकलती, तो टोनर हेल्प करता है सेकेंड स्टेप में डीप क्लिनजिंग के लिए। ये डीप क्लिंज करता है आपके पोर्स में जितना डर्ट होता है, वेस्ट जमा हो जाता है, उसको निकालता है और फिर उनको श्रिंक करता है। तो ये मेन प्रॉपर्टी होती है टोनर की, कि ये डबल क्लिंज करता है और डीप क्लिंज करता है आपके स्किन को। तो हमने बात की कि टोनर क्या होता है एंड वो कैसे वर्क करता है हमारे स्किन पे, ठीक है। अब प्लम टोनर में ऐसा क्या है, बिकॉज मार्केट में इतने सारे टोनर हैं, हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, प्लम टोनर ही क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इंग्रेडिएंट्स। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए ना, दे आर वेरी गुड फॉर योर स्किन, दे आर नॉट हार्मफुल फॉर योर स्किन। दैट्स वाई प्लम इज़ अ वेरी गुड टोनर फॉर योर स्किन, ठीक है। मतलब कि जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही माइल्ड हैं, ठीक है। आप जब इसको यूज़ करोगे ना, तो आपको एक तो फ्रेश फील होगा और आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट फील होगी, सपल फील होगी आपको, और साथ ही इतना लाइट वेट है कि तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में, और आपको इंस्टेंट अपने फेस पे एक तो ग्लो नज़र आता है, हाइड्रेट, मतलब हाइड्रेट हो जाती है स्किन, तो वो नज़र, मॉइस्चर नज़र आता है, हाइड्रेशन नज़र आता है चेहरे पे, और साथ ही आपको दिखता है कि इसने आपके पोर्स को श्रिंक किया है और फेस ज़्यादा अच्छे से क्लीन लगता है, ठीक है। तो इसलिए इसके इंग्रेडिएंट्स की वजह से ये टोनर्स में काफ़ी अच्छी रैंक पर है, ठीक है। आप काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, मैंने भी काफ़ी सर्च के बाद मंगवाया था, बट मैं जब तक प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करती तब तक मैं आपके साथ शेयर नहीं करती। तो मैंने इसका ये छोटू वाला, जो मैंने स्मिटन से मंगवाया था,
ट्रायल पॉइंट में इसको मैंने यूज़ किया। एंड जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब मेरी स्किन काफ़ी फ्रेश फील होती थी, क्लीन फील होती थी और सॉफ्ट एंड सप्पल हाइड्रेटेड फील होती थी इसको लगाने के बाद। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, बिकॉज मैं इससे पहले जो टोनर यूज़ कर रही थी, मैं जब भी उसे अप्लाई करती थी मेरे स्किन पर इरीटेशन होती थी, बर्निंग सेंसेशन होती थी और वो थोड़ी देर रहती थी, मतलब ये नहीं कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती थी बट थोड़ी देर रहती थी। बट जब मैंने इसको यूज़ किया, एक तो ये इतना लाइट वेट है, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल भी इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन कुछ भी नहीं हुई, इसलिए फिर मैंने इसका, और मुझे रिजल्ट भी दिखा, ठीक है, इसलिए फिर मैंने इसका बड़ा वाला साइज़ ऑर्डर। और दूसरी अच्छी चीज़ मुझे इसमें ये लगती है, इसमें फ्रेग्रेंस ऐड है इंग्रेडिएंट्स में, बट इसकी फ्रेग्रेंस इतनी लाइट और रिफ्रेशिंग है, मतलब है बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही माइल्ड, ठीक है, आपको बिल्कुल भी मतलब आती भी नहीं है और ऐसी बॉदर करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब काफ़ी होते हैं ऐसे टोनर जो मैंने यूज़ किए हैं जिनमें फ्रेग्रेंस एकदम मतलब आती है, लगती है एकदम से कि हाँ है इसमें बहुत सारा फ्रेग्रेंस डाला गया, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी लगी। और स्मिटन से जो मैंने ये मंगवाया है, अगर आपको नहीं पता स्मिटन क्या है और वहाँ से कैसे आप ट्रायल प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि स्मिटन क्या है एंड वहाँ से आप कैसे ट्रायल पॉइंट्स यूज़ करके सैम्पल प्रोडक्ट मंगवा सकते हो, और अगर वो आपको सूट करते हैं तो फिर आप बिग बॉटल मंगवा सकते हो, तो इससे आपके पैसे बच जाएंगे। सो या That's for today, guys. So I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था इस प्रोडक्ट के बारे में, मैंने यूज़ किया है उसके बाद ही मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।